गणगौर पर रीड करें ये विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी की खूब सेवा करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती रहती थी और कहती थी, ये सेवा पूजा छोड़ और काम धंधा कर। रोज़ झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर निकल गया और सोचा, आज विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा और घर लौटूंगा। लड़का जंगल में पहुंच गया। विनायक जी ने सोचा, ये मेरा नाम लेकर घर से निकला है तो इसको इसकी रक्षा तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तब उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और लड़के से आकर बोलने लगे, कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, विनायक जी के यहाँ जा रहा हूँ। विनायक जी बोले कि कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला, जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा। विनायक जी उसके प्राण से प्रभावित हुए और दर्शन देकर बोले कि मैं ही विनायक हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग। लड़का बोला, मैं तो मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगूँ? तो विनायक जी बोले, फिर यहाँ क्यों आया है? सोच विचार के लड़का बोला, घोड़ों और लगाम मांगू, पूंछों गजराज को, महल मांग के माल्या मांगू, ढोलियों हिंगराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाड़ फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा सब हो जाएगा। लड़का वापस घर आया तो देखा पीढ़े पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है, घर में बहुत धन दौलत आ गई है, हाथी घोड़ा आ गया है, लाव लश्कर आ गए हैं। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है विनायक जी में, ये सब उन्हीं का दिया है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई, हे विनायक जी भगवान, जैसे उस लड़के को दिया वैसे सबके भंडार भरना, कहने सुनने हुकारा भरने वाले सबका भला करना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय।